क्लास, टॉपिक है आपका लेंस मेकर फार्मूला। ठीक, लेंस मेकर फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कैसे डराइव होगा देखते हैं। इसमें हम एक लेंस लेंगे। ठीक, ये हमने माना कि ये लेंस की फर्स्ट सरफेस है। ओके, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये है इसकी फर्स्ट सरफेस। ठीक, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है। कितना है? स्मॉल एन। ठीक, ये इसका पोल है पी वन, फर्स्ट सरफेस का। अब देखिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी, तो इसकी इमेज इधर क्या होगी? इधर रेरर मीडियम हो गया और लेंस के अंदर डेंसर मीडियम। तो ये नॉर्मल है मान लीजिए, ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई ये यहाँ पर आके आई डैश इमेज बना लेगी। ठीक, आपको पता है ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस होती है यू, और इमेज की पोल से डिस्टेंस हमने ले ली वी डैश। ओके, अब देखिए, अब हम लेंस की दूसरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये हमने लेंस की दूसरी सरफेस ड्रॉ कर दी और लेंस की मोटाई है टी। ठीक, अब दूसरी सरफेस के लिए जो पहली सरफेस की इमेज थी वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, पहली सरफेस की इमेज दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक, तो अब देखिए, ये लाइट की रे यहाँ से आएगी, यहाँ से ये बेंड होएगी। ठीक, अब देखो, ये रेरर से डेंसर में जा रही है तो ये बेंड हो गई, और फिर डेंसर से रेरर में जाएगी तो दूर हो जाएगी, और दूर हो के ये यहाँ पर आकर कहीं मिल जाएगी, यानी फाइनल इमेज आई हो गई। ठीक, दूसरे से इमेज कहाँ बनी? आई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई वी। ओके, ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक, अब कैसे डेरिवेशन हम करेंगे? तो जब हम पहले सरफेस की फ्रॉम फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट सरफेस में देखिए, यहाँ से चल रही है और इमेज कहाँ बन रही? आई डैश पे। तो फॉर्मूला होता है, हमने इससे पहले प्रूफ किया है, एन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर। लेकिन अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो एन तो एन ही रहेगा। ठीक है, अपॉन वी, और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज हमारी आई डैश है, तो यहाँ से इमेज की डिस्टेंस है वी डैश, तो एन अपॉन वी डैश। ठीक, माइनस वन अपॉन यू, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई यू, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस वन, और फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर वन, इसको हमने ले लिया इक्वेशन वन। ओके, अब देखिए, सेकेंड सरफेस की अगर हम बात करें, सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम बात करें, तो सेकेंड सरफेस के लिए हमने कहा था कि जो फर्स्ट सरफेस की इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? एन की जगह पर वन बाई एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, लाइट की रे जो थी वो रेरर से डेंसर में जा रही थी, लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? डेंसर से रेरर में जाएगी, तो एन की जगह पर हो जाएगा वन बाई एन अपॉन इमेज की डिस्टेंस। ये फाइनल इमेज हमारी है सेकेंड सरफेस से, तो ये कितनी डिस्टेंस है? वी, माइनस वन अपॉन यू। और सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हमारी क्या थी? पहली वाली की इमेज, यानी कि एन अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ सेकेंड सरफेस से हम डिस्टेंस लेंगे तो वी डैश माइनस टी हो जाएगा। ओके, इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन आर टू, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन टू। ओके, ये हुआ। अब देखिए, आप इस डायरी में आ जाइए, देखिए हम नोट्स बना रखे हैं आपके। ये देखिए, हमने लिख रखा है, नाउ द इमेज आई डैश एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस विच फॉर्म्स द फाइनल इमेज आई। ठीक, जो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो फर्स्ट सरफेस की इमेज करेगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज बनेगी आई पर। अब देखिए, ये इक्वेशन हम यहाँ तक बना चुके हैं। वी डैश माइनस टी हमने क्यों लिया? क्योंकि जो जो सेकेंड सरफेस के लिए हम डिस्टेंस लेंगे वो सेकेंड सरफेस से लेंगे।
ठीक है। और ये जो v डैश डिस्टेंस डिस्टेंस है ये फर्स्ट सरफेस से है, तो सेकंड सरफेस से लेने के लिए हमें ये t माइनस करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ v डैश माइनस t लेंगे। फिर हेयर 1/n इज़ टेकन इन प्लेस ऑफ n, n की जगह हमने क्या लिया है 1/n, क्यों, क्योंकि लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम द लेंस इन टू द एयर। ठीक, इसमें क्या था, एयर से लेंस में लाइट जा रही थी तो हमने n लिया था, लेकिन अब सेकेंड सरफेस में लेंस से फिर से एयर में जा रही है तो हम क्या लेंगे 1/n। अब देखिए n को हमने नीचे ले लिया तो 1/nv माइनस 1/v डैश, t को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा पतला लेंस होता है इसलिए t को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और 1 माइनस n अपॉन एन आर टू, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाई n ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने n से मल्टीप्लाई किया, जब n से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये इक्वेशन, फिर माइनस हमने कॉमन लिया तो ये इक्वेशन आ गई। अब एडिंग 1+3, ये थर्ड इक्वेशन, और फर्स्ट हमने कहाँ निकाली थी, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट और थर्ड को जब हम ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा, और यही कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक,